आज एक मेरे पास एसर का पास आया जो कि डेट कंडीशन में, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मॉडल का एक मॉनिटर मेरे पास आया जो कि डेट कंडीशन में, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद और ये बैकलाइट का हुआ और ये हमारे आईआर सेंसर का हुआ। इसको जब ओपन किया तो इसमें जो लगा मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड में जो है ये आईसी का प्रॉब्लम है, ये आईसी का प्रॉब्लम है। ये आईसी में हम इसका कुछ मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, बट ये कर सकते हैं इसका डाटा देख के, इसका वोल्ट चार्ट देख के मुझे ये पता चलता है ओनली फॉर इसमें 12 वोल्ट इन होना चाहिए। 12 वोल्ट इन हम देंगे, मेरा ये सेट ऑन हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या जुगाड़ लगाया हूँ, इसके लिए मैं एक अलग से SMPS डालूंगा जो कि इसमें एक 12 वोल्ट हम डालूंगा और सारा सेट मेरा ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको टेक्नीशियन के लिए बहुत ऑन करने के बाद आपको बताता हूँ। और आज मैं ये मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ और ये पावर बोर्ड मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ, जिसका ये पावर बोर्ड है और ये पावर बोर्ड से मेरा ये मॉनिटर रन करेगा और इसका कनेक्शन मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कनेक्शन करने के बाद, हाँ तो फ्रेंड मैंने ये कनेक्शन किया हूँ। ये मेरा DC 280 वोल्ट का है, लगभग 300 वोल्ट आउट करता है। उसका कनेक्शन हमको इस बोर्ड में करना है और ये आउटपुट है DC 12 वोल्ट जो कि इस कनेक्शन में करेंगे हम। और अब मैं कनेक्शन करके आपको बताऊंगा कि मेरा सेट ऑन होता है या नहीं। हाँ तो दोस्तों मैंने ये कनेक्शन कर लिया हूँ। एक मेरा ये DC वोल्ट देना है जो कि 300 वोल्ट जाता है। AC यहाँ से नहीं लिया हूँ, AC यहाँ से जो लेने पर थोड़ा सा वीक है ये बोर्ड, AC वर्क नहीं करेगा सही से, इसलिए वहाँ का AC हम उठा लिए हैं। और मेरा ये प्लस माइनस लग गया है 12 वोल्ट। अब मैं इसको लाइन देता हूँ मॉनिटर में, उस चीज़ यहाँ पे रख देता हूँ ये शॉर्ट ना हो। और इसका मेन लीड जो है हम इसी पावर कोर्ड में लगाएंगे सॉकेट में, और मेरा ये सेट ऑन कर दिया हम। और मैं लाइन दे दिया हूँ और मेरा ये सेट आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो गया है, रन में आ गया है। देखें जी मेरा सेट बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसको हम जो है ये फिटिंग कहाँ करेंगे, ये फिटिंग जो है हमको ये बैक साइड में कुछ ऐसा, इतना जगह मेरा स्पेस बच रहा है, कहीं कोई जगह पर मैं ये बोर्ड को सेट कर देंगे। ओके दोस्त, अगर मेरा वीडियो सही लगे सर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। ये देखिए दोस्त, ये मेरा सेट फाइनली ओके हो गया, सेट को मैंने कस भी दिया हूँ, फाइनली ओके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।